और अगर जो नहीं सुन रहा है, जो नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो उसके कान नहीं है, और कान किसके नहीं होते हैं? सांप के नहीं। अब सांप क्या है? अब इस चीज को समझना भी जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से दूसरे खंड के बारे में, 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश से हम सीख रहे हैं इफिसुस की कलीसिया के बारे में, और इफिसुस की कलीसिया का आज का जो है 5वां पॉइंट है जिसके विषय में हम सीखेंगे। पिछले संदेश में हमने सीखा था इफिसुस की कलीसिया के दूत के विषय में सीखा था कि मसीह के द्वारा दूत के काम की निंदा, और मसीह के द्वारा दूत को सम्मति देना। और आज हम सीखेंगे इफिसुस के दूत के विषय में जो है हम सीखेंगे। आप जो है इफिसुस के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:1-7 पद तक आप पढ़ लीजिएगा, और आप निकाल के रखिए, जो हमें समझने में, जब हम इन बातों को सीखते हैं तो हमें समझने में और भी आसानी हो। आज हम सीखेंगे इफिसुस की कलीसिया का जो पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, मसीह द्वारा दूत को चेतावनी देना। अब ध्यान दीजिएगा जरा, और ये जो बात पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य 2 उसके 5 पद में, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आप सोच रहे होगे ये बात तो हम पिछले संदेश में सुन चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपने सुनी है पिछले संदेश में, और हम इस विषय पे चर्चा भी कर चुके हैं। परंतु वो सम्मति के रूप में, काउंसलिंग के रूप में जो है वो हमने सुना था कि प्रभु जो है काउंसलिंग कर रहा है इफिसुस के दूत को, और इफिसुस का दूत कौन है? तिमिथुस जो है वो उसको काउंसलिंग कर रहा है प्रभु। परंतु यहां पर जो है, अब इस पद के अंदर जो एक चीज आती है वो आती है चेतावनी। चेतावनी का मतलब होता है वार्निंग, यानी प्रभु जो है इफिसुस की जो कलीसिया का दूत है उसको वार्निंग दे रहा है। अब वार्निंग देने में काफी अंतर है। पहले हमने वो चीज, अलग हमारा दृष्टिकोण था उसको देखने का कि काउंसलिंग कर रहा, देख तू ऐसा कर, ऐसा नहीं करेगा तो मैं इस तरीके से तेरे साथ करूंगा, इस तरीके का व्यवहार करूंगा, वो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत सी बातें हैं जो इस बात को प्रकट करती हैं। परंतु जब हम वार्निंग की बात करते हैं, जब हम चेतावनी की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर तूने नहीं सुना, यदि तूने नहीं माना, तो सोच ले कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा, और फिर मेरे हाथों से तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। देखिए, प्रभु की वार्निंग को जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखें। और यहां पर जो है इफिसुस की कलीसिया के दूत अर्थात जो तिमिथुस है उसको जो है प्रभु चेतावनी दे रहा है। और क्या चेतावनी, क्या दे रहा है? और वो कह रहा है कि पहले के समान जो है तू मन फिरा, पहले के समान तू काम कर, और अगर तूने पहले के समान मन नहीं फिराया या पहले के समान काम नहीं करा तो मैं क्या करूंगा? मैं तेरे दीवट को, यहां पर देखिए, मैं आपको वही पॉइंट फिर पढ़ाना चाहूंगा। क्या है? देखिए, वार्निंग क्या है, बड़ी हल्की वार्निंग नहीं है, बहुत खतरनाक है। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पिछले संदेश में हमने यही चीज सीखी थी कि प्रभु क्या कहना चाह रहा है कि तू पहले के समान काम कर। पहले के समान काम करने, जैसे हमने पढ़ा था, सीखा था कि पौलुस जो है बताता है कि तिमिथुस जो है वो मेरे समान काम करता है और बहुत परिश्रम करता है, वो उसको विश्वास योग्य कहता है और मेरा प्रिय पुत्र कहता है, और तिमिथुस में वो कहता है हे परमेश्वर के जन करके उसको संबोधित करता है। यानी वो परमेश्वर के, पौलुस के कितना नजदीक, कितना क्लोज है, मगर कुछ कमी उसके अंदर आ गई है, और वो कमी जो है छोटी मोटी नहीं है, जो प्रभु को अच्छी नहीं लग रही है और प्रभु को भा भी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उससे जो है पूरी संपूर्ण कलीसिया का जो है वो क्या हो रहा है, पूरी संपूर्ण कलीसिया जो है बदल रही है। किस तरीके से बदल रही है? वो प्रभु से दूर जा रही है, प्रभु से दूर होती चली जा रही है, प्रभु के नजदीकी में, प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। और यही जो चीज है प्रभु समझाना चाह रहा है, अगर तेरे कारण, देखिए एक चीज होता ना, मैं, प्रभु ने मुझे चुना किसके लिए? अपनी सेवकाई के लिए। और सेवकाई किस चीज की?
वचन के द्वारा ये सेवकाई होनी चाहिए। सही माने में सही जो सेवकाई है वो वचन की सेवकाई है। इसलिए पौलुस हमेशा एक बात कहता है, अपनी पत्रियों में लिखता है, समय और असमय तैयार रहे। ये बात भी तिमोथियो की पत्री में लिखी हुई है, समय और असमय तैयार रहे, यानी हमेशा जो है परमेश्वर के वचन में तैयार रहना है कि हमें किसको क्या वचन सुनाना पड़ जाए या वचन से क्या बात करनी पड़ जाए, इसलिए पूरी तरह उसमें डूबे रहना चाहिए। और परमेश्वर का वचन जो बताता है और ये जो सेवकाई है प्रभु कहता है वो पहले के समान जो है वो उसके अंदर वो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, इसलिए वो क्या कहता है, अब मैं जो एक कलीसिया का दूत हूं, मैं जो एक कलीसिया का अगुआ हूं, अगर मैं गलत होऊंगा तो पूरी कलीसिया गलत होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं। हैं प्रभु यीशु मसीह जो है रखवाला है। पास्टर का सही माने में पास्टर का जो मीनिंग होता है वो मतलब होता है रखवाला, और प्रभु ने अपनी जगह रखवाले नियुक्त करे हैं। मैं अगर किसी कलीसिया का एक कलीसिया का मैं सेवक हूं, अगर मैं उस कलीसिया का सेवक हूं और उस कलीसिया के अंदर बिगाड़ होता है, यानी बिगाड़पन होता है, यानी गलत संदेश जाता है या गलत बात जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कलीसिया जो है मेरे द्वारा जो है वो गलत राह पर चली गई, और प्रभु इस बात से खुश नहीं होता। इसलिए वो कहता है, क्या कहता है कि मैं तेरी कलीसिया को, यानी उस कलीसिया को, उस दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा और उसकी जगह कोई और नहीं। ये पिछले संदेश में हमने सीखा था और प्रभु यही बताना चाहता है, और इसलिए वो कहता है कि पहले के समान काम कर। वो वार्निंग दे रहा है और ये वार्निंग जो है ये बहुत खतरनाक वार्निंग है कि पूरी कलीसिया को ही दूत समेत जो है वो समाप्त कर देगा, अलग हटा देगा, निकाल देगा अपने राज से और अपनी निगाहों से और अपनी आशीषों से और अपनी सामर्थ्य से जो है वो बाहर कर। सब कुछ जो है जो उसने दिया है, अपनी सामर्थ्य दी है, अपनी शक्ति दी है, अपना अनुग्रह दिया है, अपनी करुणा दिया, सब कुछ उनसे ले लेगा। ये बहुत खतरनाक बात है, इसलिए प्रभु की जो चेतावनी है, जो वार्निंग है, उसको समझना है और हमें पहले के समान जो है वो काम करना है। और सबसे पहला काम क्या करना, मन फिराना। और ये सिर्फ इफिसस की कलीसिया के लोगों को नहीं, हमें आज के जो लोग हैं उनको भी जो है मन फिराने की आवश्यकता है, और मन फिराना है और प्रभु के पास जो है वो आना है। अब हम बात करेंगे इफिसस की कलीसिया के 11वें पॉइंट के विषय में। जी हाँ, 11वां पॉइंट जो है मसीह द्वारा दूत और उसके समय के जय पाने वालों को रिवार्ड देने का वायदा जो प्रभु ने किया है। और ये जो पद है, जरा बड़े ध्यान से सुनेगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 7वां जो पद है वो है, यहां लिखा है, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अब आप कहोगे कि आपने 5वां पद पढ़ाया और 6ठा नहीं पढ़ाया। 6ठा पद हम पहले ही जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं, किस बातों में, प्रशंसा, जब वो प्रशंसा करता, क्योंकि 6ठे पद में जो है वो प्रशंसा की बात है, इसलिए प्रशंसा वाले पॉइंट में जो है इस बात का वर्णन हो चुका है, इसलिए हम सीधे 7वें पद पर आते हैं। यहां लिखा हुआ है, अब यहां पर जो है बहुत सी बातें हैं। पहली बात, जिसके कान हो, दूसरी बात वो सुन ले, तीसरी बात कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा। अब यहां पर हम एक पूरा एक सेंटेंस ले लेते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले। बड़ी अजीब सी बात है, अगर वो हम किसी मनुष्य से बात करें, अगर वो गूंगा, अगर वो बहरा नहीं है तो, और वो सुन सकता है, अच्छे से सुन रहा है, अगर हम उससे कहें कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, वो कहेगा पादरी साहब यहां तो सभी सुनने वाले हैं, अगर सुनने वाले नहीं होते, अगर नहीं सुन रहे होते तो चर्च में क्यों आते, हम सुन सकते हैं इसलिए तो चर्च में आए, इसलिए तो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हैं। मगर यहां देखिए, समझने वाली बात है, जब प्रभु कह रहा है जिसके कानों वो सुन ले, अब कान किसके नहीं होते, सीधी सी बात है, कान जो है वो सांप के नहीं होते हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह और भी बहुत सी बात करता है। जब मरकुस 8 अध्याय उसका 18वां पद पढ़ेंगे, यहां लिखा है, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है, क्या आंख रखते हुए पर भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते और तुम्हें स्मरण नहीं। देखिए यहां पर प्रभु क्या कहना चाह रहा है कि कान तो हैं परंतु वो सुन नहीं रहे, सुनते नहीं है।
अब इसलिए वो कह रहा है जिसके कान हो, देखिए परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है क्योंकि ये आत्मा का युग है और आत्मा बात कर रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक आध कलीसिया नहीं, सभी कलीसिया की बात है यहां पर, सभी कलीसियाओं के बारे में बात हो रही है कि आत्मा जो है कलीसियाओं से क्या बात करता है। और प्रभु यीशु मसीह जब हम बात करते ना जिसके कानों वो सुन ले, तो प्रभु यीशु मसीह ने तो बहुत सी बातें कही है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, मत्ती 11 का 15, मत्ती 13 का 9, मत्ती 13 का 43, मरकुस 4 का 9, मरकुस 4 का 23, लूका 8 का 8, लूका 14 का 35 में उसने ये बात कही है। मगर कुछ कुछ अंतर सा आया है उन बातों में कहने का, वो अंतर देख लेते हैं। ये रेफरेंस मैंने आपको देखी है, दे दिए हैं, आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं। मगर मैं वो बातें बताऊंगा जो इनमें लिखी हुई हैं। तीन बातें हैं, तीन प्रकार से प्रभु जो है बात करता है। पहला, जिसके कानों वो सुन ले, ठीक है, जैसा आत्मा बात कर रहा है उस तरीके से, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। तीसरा है, यदि किसी को सुनने के कान हो तो वे सुन ले, अगर नहीं है तो वह ना सुने। और अगर जो नहीं सुन रहा है, जो नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसके कान नहीं है। और कान किसके नहीं होते हैं, सांप के नहीं होते हैं। अब सांप क्या है, अब इस चीज को समझना भी जरूरी है कि हम सांप के कान नहीं होते हैं और हम परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं, हम परमेश्वर की नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम भी सांप की कैटेगरी में आ गए क्योंकि हमारे कान तो हैं परंतु हम सुन नहीं रहे। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले, अब कान जिसके कान होंगे वो सुनेगा परमेश्वर की बातों को और मानेगा और अपने जीवन में ग्रहण करेगा। और जिसके कान हो वो नहीं सुन रहा है, इसका मतलब उन बातों को ग्रहण नहीं कर रहा है, उन बातों को नहीं मान रहा है, उन बातों के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा बात है कि वो प्रभु की नहीं सुन रहा है। और वो किस कैटेगरी में आता है, चलिए सांप की हम बात करते हैं। पहले हम सांप की बात कर लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 पद यहां लिखा हुआ है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। देखिए क्या है, वो बड़ा अजगर, और ये बड़ा अजगर कौन सा, वही पुराना सांप है जो इबलीस और शैतान कहलाता है, जिसने अदन में जाकर हवा को बहकाया और सारी दुनिया को जो है किसमें डाल दिया, पाप में डाल दिया और मृत्यु के वश में कर दिया। ये वो इबलीस, ये वो शैतान है, जी हाँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की नहीं सुनता, तो इसका मतलब वो किसकी सुन रहा है, सीधी सी बात है, वो शैतान की सुन रहा है। अब जब वो शैतान की सुन रहा है, देखिए जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर की संतान ठहरते हैं, जब हम परमेश्वर की सुनकर उन बातों को मानते हैं तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां की कैटेगरी में आ जाते हैं। परंतु अब यदि हम परमेश्वर की नहीं सुन रहे, तो भाई किसी ना किसी की तो सुन रहे होंगे। अब यदि हम परमेश्वर की नहीं सुन रहे तो शैतान की सुन रहे हैं, और शैतान की अगर सुन रहे हैं तो फिर हम किस कैटेगरी में आते हैं। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, चलिए मेरे साथ आप निकाल लीजिए योना की इंजील, जी हाँ, उसका 8 अध्याय और उसका 44 पद, जरा ध्यान से सुनेगा। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। अब यहां प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों शैतान से हो, क्योंकि शैतान की सुन रहे हैं। क्योंकि हम किसकी संतान हो गए, क्योंकि वो सांप है, अजगर है, तो हम अजगर की संतान हो गए। क्यों, क्योंकि उसके भी कान नहीं है, हमारे भी कान नहीं है। अब हमारे कान कैसे नहीं, क्योंकि हम प्रभु की नहीं सुन रहे हैं। प्रभु तो सीधे कह रहा है कि अगर तुम मेरी नहीं सुन रहे, तुम शैतान की संतान हो, यानी सांप की संतान हो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कई बार, और योहन्ना ने भी कई बार इस बात को कहा, आगे देखेंगे कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया या जता दिया कि आने वाले खौफ से भागो, आने वाले डर से भागो, किसने तुम्हें बता दिया। वो कहता है हे सांप के बच्चों, योहन्ना भी कह रहा है, योहन्ना कौन, बपतिस्मा देने वाला, योहन्ना भी कह रहा है और प्रभु यीशु मसीह भी कह रहा है हे सांप के बच्चों। क्यों कह रहा है हे सांप के बच्चों, क्योंकि हमारे अंदर वो चीजें दिखाई दे रही हैं, हमारे पिता जो शैतान है, इस संसार का भरमाने वाला, उसके काम दिखाई दे रहे हैं, उसकी बातें दिखाई दे रही, उसकी सोच दिखाई दे रही है। इसलिए वो कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि हमारे कान नहीं है। वो क्या कहता है, वो पिता है,
इस संसार के उन लोगों का जो झूठ बोलते हैं, जो प्रभु की बातों पे कान नहीं लगाते, प्रभु की बातों को अनसुना कर देते हैं, उनका पिता जो है वो शैतान है। और परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बड़े चीख चीख के इस बात को कहता है। और वो क्या कहता है फिर, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि कौन कह रहा है कि जिसके कानों वो सुन ले, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, आत्मा कह रहा है। देखिए, आत्मा कहने का मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा जो है, हम लोग कहते हैं कि आज जो है पवित्र आत्मा का युग है और पवित्र आत्मा हम पर उतरा, पवित्र आत्मा हमें मिला। इसके बावजूद भी जब पवित्र आत्मा बात कर रहा है तो हम उसकी सुन नहीं रहे हैं, हम अपनी सुना रहे हैं, हम अपनी कह रहे हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 139 और उसका 5-9 पद तक है, यहां लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से भार है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुन्दर के पार जा बसूं तो वहां पर भी तू है। यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के आत्मा से भागकर हम कहां जा सकते हैं, हमें उसकी सुनना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 51 और उसके 11वें पद में क्या कहता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अब देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि अपने पवित्र आत्मा से मुझे अलग ना कर, मुझे अपने सामने से ना निकाल दे। भाई, परमेश्वर क्यों निकालने लगा? परमेश्वर तो चाहता है कि सब उसके समक्ष बने रहें, सब उसकी आत्मा से भरे रहें, सब उसकी आत्मा में बने रहें, सब उसकी आत्मा की सुने। परमेश्वर तो कभी ये नहीं चाहेगा, मगर यहां पर इफिसुस के समय के लोगों को इस बात को बता रहा है। देखिए, हर कलीसिया के विषय में वो एक ही बात बोलता है। आप सातों कलीसिया हैं, सातों कलीसियाओं के विषय में पढ़ लीजिए कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कलीसिया से क्या कहता है, ये शब्द नहीं आया, कलीसियाओं से क्या कहता है। इसका मतलब क्या, आपकी मेरी इसकी उसकी किसी की भी कलीसिया क्यों ना हो, सब कलीसियाओं से कह रहा है कि जो जय पाए है उसको रिवार्ड मिलेगा। और आत्मा जो है वो कह रहा है जिसके कान हो, सुन ले, किसके काम नहीं, आत्मा कह रहा है। पेंतिकोस के दिन जब प्रेरितों के काम 2:1-4 पढ़ेंगे, पेंतिकोस के दिन जो है पवित्र आत्मा सब पर उतरा, और ये भविष्यवाणी योएल नबी 2:28-29 पद में हुई कि मैं अंत के दिनों में सब प्राणियों पर अपना आत्मा ले लूंगा। और परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा करा, अब उसने अपना आत्मा दिया है, अब उस आत्मा को कर क्या रहे हम, वो आत्मा तो हमें मिल गया मगर उस आत्मा को मिलने के बाद हम कर क्या रहे हैं, क्या आत्मा खुश है, क्या आत्मा की सुन रहे हैं। मगर परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहीं नहीं बताता है। देखिए, मैं आपको कुछ रेफरेंस आपको पढ़ाना चाहूंगा कि कैसे मैं इस बात को कह सकता हूं। जी, आप निकाल सकते हैं परमेश्वर के वचन में से यशया नबी की पुस्तक और उसका 63 अध्याय और उसका 10वां वचन यहां पर पढ़ रहा हूं। यहां लिखा हुआ है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। आज स्थिति क्या है, आज संसार की स्थिति देख लीजिए क्या है, क्यों यहां पर क्या है कि पवित्र आत्मा को शोकित किया जा रहा है। और इसलिए हर कलीसिया के एंड में यह बात कहती है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, हमें क्या करना है, आत्मा की सुनना है। और उसको क्या कर रहे हैं, आज का इंसान, आज के लोग जो हैं सब खेदित यानी दुखी कर रहे हैं उसको। और इसलिए पौलुस भी बहुत बढ़िया बात कहता है परमेश्वर के आत्मा के विषय में, एफिसियों 4 अध्याय उसका 30 पद है, यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, मगर यहां तो शोकित करने में लगे, यहां तो पवित्र आत्मा को दुख देने में लगे हुए हैं, यहां तो पवित्र आत्मा के विरोध में काम करने के लिए लगे हुए हैं। ये कितनी मतलब भयंकर बात है। और पहला थसलुनीकियों 5 अध्याय उसके 19 पद में एक छोटा सा पद आया, बहुत छोटा सा, वहां लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को ना बुझाने का मतलब क्या है, शोकित मत करो, उसे दुखी मत करो। जब हम उसकी सुनते नहीं है तो वो दुखी हो जाता है, जब हम उसकी नहीं मानते तो वो दुखी हो जाता है,
और उसको दुख पहुंचाकर हम किसकी संतान बन जाते हैं? शैतान की, यानी उस अजगर की सांप बन जाते हैं। हम भी सांप की कैटेगरी में आ जाते हैं। हमारे भी कान जो होते हैं वो क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। और प्रभु कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। और इसके लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो इफिसस की कलीसिया का वर्णन है वह अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसके आगे भी हम बहुत सी चीजों को देखेंगे। परंतु एक बात बताना चाहूंगा, मती 12 अध्याय उसके 32 पद में प्रभु क्या कहता है। एक वहां पर आप पढ़ेंगे ना, एक बार को पुत्र के खिलाफ में वो कहता है मेरे विरोध में अगर तुम पाप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो तो मैं क्षमा कर दूंगा, परंतु यदि पवित्र आत्मा के विरोध में अगर कोई पाप करेगा तो। आप पढ़ लीजिएगा मती 12 का 32 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, यानी इस लोक का मतलब पृथ्वी पर भी क्षमा नहीं किया जाएगा, यानी पृथ्वी पर भी उसको दंड जो है मिलेगा, उसको दंडित किया जाएगा और लोग देखेंगे, और जब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इसने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया है। और लिखा है परलोक में तो क्षमा किया ही नहीं जाएगा, लिखा ना जो तुम स्वर्ग में, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। पृथ्वी पर तुमने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया है तो वो पाप का दंड जो है वहां से निर्धारित होकर हमारे जीवन तक पहुंचता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता ना एफेसस की कलीसिया को, तो वो ये संदेश दे रहा, मगर ये संदेश हमारे लिए भी है कि जिसके कान हो वो सुन ले। यदि आपके पास कान है तो सुन लीजिए और परमेश्वर की मानने लगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।